हम इस वक्त थाना भवन में मौजूद हैं और हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा की खानकाह इमदादिया अशरफिया में मौजूद हैं। आपको ज्यारत कराते हैं। आप तमाम हजरात मुकम्मल देखिएगा, बहुत सारी चीज देखने की है। नाजरीन इंशाल्लाह तबारक व ताला मुकम्मल खानकाह की ज्यारत कराऊंगा, बहुत सारी चीज देखने की है, वो दिखाऊंगा आप हजरात को। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। अभी जो आप सामने मजार देख रहे हैं, ये मजार है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाजिम आला का, जिनका नाम मोहम्मद था। और ये कब्र हजरत थानवी अलैहि रहमा के जमाने से पहली कब्र है, ये पहले से ही यही मौजूद है। नाजरीन इस बरामदे के सहन में हजरत थानवी अलैहि रहमा बैठते थे, उनके मुरीदीन तलबा बैठते थे और यहीं बैठकर अल्लाह अल्लाह किया करते थे। ये हजरत थानवी अलैहि रहमा के जमाने से पहला है, क्योंकि हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का कमरा है। इन दोनों कमरे को आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह तबारक व ताला। तो चले अंदर चलते हैं। हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह इसी कमरे में रहा करते थे, जो पीर भाई थे हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के, और जो दोनों मुरीद थे मियाँ जी नूर मोहम्मद झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह के, इसी कमरे में रहा करते थे, इसी कमरे में इबादत किया करते थे। जिस जगह अल्लाह वालों ने अल्लाह की इबादत की हो, ऐसी जगह पर बरकत के लिए नमाज पढ़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग नमाज पढ़ रहे थे, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से नमाज अदा की, अल्लाह ताला से दुआएं की। आप भी यहाँ आइए और अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी दुआ कबूल होंगी। नाज़रीन, ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये कमरा है हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का। इससे पहला कमरा जो मैंने आपको दिखाया, वो कमरा था हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, जो जंग आज़ादी में शहीद हुए थे। हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा के शेख थे, पीर थे। हजरत थानवी यहीं अपने शेख की मसनत पर बैठकर अल्लाह अल्लाह किया करते थे। लिहाजा आप यहां आए और इससे इस्तिफादा करें, अल्लाह वालों की चीज़ों में भी बरकतें छुपी हुई होती हैं। अब आपको ऊपर लेकर चल रहा हूँ हजरत थानवी अलैहि रहमा के मदरसे में। हजरत थानवी अलैहि रहमा के ज़माने की कुछ इमारतें मौजूद हैं, कुछ निशानियां मौजूद हैं, वो आपको दिखाता हूँ। और इसमें हजरत थानवी अलैहि रहमा बच्चों को पढ़ाया करते थे, यानी जो उलमा हजरत थानवी अलैहि रहमा के मदरसे से तैयार होकर निकलते थे वो यही पढ़ते थे। और वैसे आज भी ये मदरसा मौजूद है, अगर आप दाखिला लेना चाहें, आप तालिबे इल्म हैं तो यहाँ आ सकते हैं और दाखिला ले सकते हैं। और आप जो आप ये कमरे देख रहे हैं, ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के कमरे हैं। ये अलमारियाँ, ये कमरे और ये टीन जो आप देख रहे हैं, टीन सेट भी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का है। ये आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये दाएं बाएं, ये सब के सब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के कमरे हैं। अल्लाह ताला ने बुज़ुर्गों की हर चीज़ में बरकत रखी होती है। इमारतें हैं, इमारतें तो जाहिर बात है टूटनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत थानवी अलैहि रहमा के दियार के लोगों ने और उनके मुंतजमीन ने हजरत की निशानी को संभाल कर रखा है। अल्लाह ताला हजरत की बाल बाल मगफरत फरमाए, हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए। ये सामने गुजरा है हजरत ख्वाजा मजजूबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का, जो हजरत थानवी अलैहि रहमा के खलीफा थे। किताबों में इनके बारे में बहुत पढ़ा होगा आपने, सब तमन्ना दिल की रुख्सत हो गई, अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई। ये जो आपको मटकी नजर आ रही है, ये हजरत थानवी अलैहि रहमा के दौर की है। और इसमें हजरत थानवी अलैहि रहमा तलबा के लिए, नमाजियों के लिए, जो तलबा नमाज पढ़ते थे उनके लिए गर्म पानी का इंतजाम होता था हजरत थानवी के मदरसे में। तो देखिए सारी फैसिलिटी उस वक्त की मौजूद थी, और आज भी इस मदरसे में बहुत फैसिलिटी है। अगर आप तलबा हैं तो यहाँ आकर पढ़िएगा। अब बाकी रह जाती है ये घड़ी। इस घड़ी के ताल्लुक से मैंने आप हजरात को पहले भी बताया था शायद, कि ये घड़ी हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा के ज़माने की है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा इससे नमाज का टाइम टेबल पहचानते थे। और ये वो घड़ी है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फ़िकह की किताबों में ज़िक्र की है, साया असली के नाम से आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर आप तालिबे इल्म हैं
तो इससे जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती थी तो इसके साये से वक्त का पता चल जाता था जहां साया होता था। तो बहरहाल आप हजरत थानवी अलैहि रहमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ कीजिए और यहां आने की कोशिश कीजिए, आना चाहिए। अगर नहीं आ सकते तो हमने आपको दिखा दिया। हमारे लिए दुआ कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।